हेलो पीपल, इट्स मीशान। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अपकमिंग मूवी जिसका नाम है बवाल। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो उसका टीजर आया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज क्लिक एंड वॉच द टीजर फर्स्ट। टीजर मुझे बहुत पसंद आया था। आई मीन कुछ अलग ही चल रहा था। इट वॉज लाइक अ रॉम कॉम थिंग गोइंग ऑन, नॉट इवन रॉम कॉम बट जस्ट रोमांस वॉज गोइंग ऑन। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर इन द एंड इट वॉज अ वेरी वियर्ड एंडिंग। ऐसे लग रहा था क्या हो गया ये एकदम से। इट वॉज वेरी वियर्ड बट आई हैव रियली हाई होप्स क्योंकि इसकी स्टार कास्ट वरुण धवन ही हु इज अ गुड एक्टर। एंड यू नो भले ही आई एम नॉट अ यू नो वरुण धवन फैन पर से, लेकिन उसकी जो कुछ कुछ मूवीज हैं उसमें परफॉर्मेंसेज मुझे बहुत पसंद आती हैं। जब मैं टीचर में ऑलरेडी बोल चुका हूँ जैसे कि अक्टूबर, बदलापुर, सुई धागा, इस तरीके की मूवी मुझे वरुण धवन की जो परफॉर्मेंस होती है अच्छी लगती है। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज। जानवी कपूर हु इज ऑल्सो रियली ग्रेट। मैंने अभी लास्ट मूवी मिली देखी थी जानवी कपूर की एंड आई थिंक शी डिड अ रियली गुड जॉब। इट इज डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ छिछोरे, दंगल। सो ऑब्वियसली दिस मूवी इज यू नो गोइंग टू बी रियली गुड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। सो देखते हैं क्या होने वाला है इस मूवी में। लंबा ट्रेलर, 3 मिनट का ट्रेलर है। सो चलिए लेट्स जंप राइट इनटू इट एंड लेट्स सी क्या होने वाला है। नितेश तिवारी हमारे पास क्या लेके आ रहे हैं। सो बवाल ऑफिशियल ट्रेलर, हियर वी गो। लखनऊ की पावन धरती पर झूठ के बीज बो बो के अज्जू भैया ने अपनी इमेज की लहलहाती फसल खड़ी की है। बेटा माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे, रिजल्ट नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने क्या किया था? सबसे पहले पोलैंड पर चढ़ाई की थी सर। वेरी गुड गुड। बैठो सर, मेरे लिए कुछ काम था। मैंने ईशा जैसी लड़की हमें मिल जाए ना तो हमारी इमेज और भी सेट हो जाएगी। विराट कोहली, राहुल द्रविड़, फरारी, स्कूटी, संदीप, पंच, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या? तुम जो मिले तो जिंदगी। प्लान क्या है? वर्ल्ड ओ शादी हुई। सोच रहे कि ईशा को यूरोप लेके जाए। किसे मिलो ना तो कहना बोंजोर, कोई मदद वदद कर देना तो कहना मर्सी बोकू, मतलब थैंक यू। तुम्हारा तो काम सिर्फ बोंजोर से ही हो जाएगा। थैंक यू तो तुम कभी किसी को बोलते नहीं हो। रब ने है जोड़िया। कैप्सूल वैप्सूल लेता है? नहीं लेता है, लेता है ना। अरे पता है कुछ I'm waiting for things to go bad really. असली वर्ल्ड वॉर ना अब शुरू होगा। सेल्फिश इंसान हो यार, इमेज के सिवा और कुछ नहीं देखता है। क्योंकि हमें जो जिंदगी में चाहिए था कभी नहीं मिला। लाइफ पार्टनर भी मिली ना तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस। हम सब भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे ही है ना। जो अपने पास है उससे खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वो चाहिए। ये जुनून कभी खत्म ही नहीं होता। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई लेकिन ये अंदर की वॉर कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। What the hell is happening? भाई चकली आपो ना चकली। हेडफोन चकली दे दो ना जरा उधर। आ ढोकड़ा बस कर दो ना जरा। कट्टा बिठा दे दो। ए मित्र खाकरा ए आऊं शू करो। ओ भाई ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में दैट दिस मूवी विल बी हियर। बट आई एम सो कन्फ्यूज। एक लास्ट सीक्वेंस जो है ना, जो खाकड़ा खा लिया उसने वहीं पे, ये एग्जैक्टली इसने वही किया जो मैं करता। अगर कोई मुझे इतना सामान देता ना, ये दे दे वो दे 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 दे, मैं खा लेता उसे बीच में, सच में दिखा के खाता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम लिटिल कन्फ्यूज कि हो क्या रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, यूरोप में जाके ऐसा क्या हुआ? एंड टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा और कन्फ्यूज हूँ क्योंकि वो जानवी को डिफेक्टिव पीस बोल रहा है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन पहले मुझे लगा कि यूरोप जाके यू नो समथिंग हैपेंड बिटवीन देम, सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, और उसे वर्ल्ड वॉर वन से यू नो कंपेयर कर रहे हैं किसी तरीके से, मे बी समथिंग लाइक दैट। और टीजर के एंड में भी वो सीक्वेंस दिखाया था जो यहाँ पे दिखाया कि वो कहीं यू नो फंसे हुए हैं वो लोग, और यू नो पुराने सोल्जर्स टाइप नाज़ी वो उन्हें
ऐसे यू नो कैप्चर कर रहे हैं. सो आई थिंक कि एक्चुअली वैसा नहीं है. इट्स लाइक कि उनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उसे वर्ल्ड वॉर के साथ, वो वर्ल्ड वॉर के लेवल का उसे दिखा रहे हैं, उसके साथ कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, बिकॉज देर इज नो अदर वे कि वर्ल्ड वॉर वन को इससे यू नो आप रिलेट कर पाओ. आई थिंक वर्ल्ड वॉर वन से तो कोई लेना देना इसका है नहीं, ऑब्वियसली यू नो इट्स उसके काफी बाद का टाइम दिखाया है ये, वर्ल्ड वॉर का टाइम नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस जैसा हमने ट्रेलर में देखा. लेकिन ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़े को ही किसी तरीके से वर्ल्ड वॉर, जैसे फॉर एग्जांपल रंग दे बसंती मूवी आई थी, रंग दे बसंती में जो भी इवेंट्स हो रहे थे उन इवेंट्स को उस आज़ादी के इवेंट्स के साथ कंपेयर करके दिखा रहे थे, और वहाँ उस टाइप के सीन्स दिखा रहे थे जो उन्होंने मूवी करी थी डॉक्यूमेंट्री. आई थिंक उस तरीके का कुछ होगा इसमें. बट अगैन मैंने, मुझे लगा यूरोप जाके कुछ प्रॉब्लम हुई, बट अभी सीक्वेंस दिखाया कि शादी की रात ही सॉ समथिंग इस तरीके का कि वो कि वो गाड़ी में बैठ के जब जा रहे हैं विदाई के टाइम पे, वहीं उसका मूड खराब है, जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया हो. आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर बहुत प्रेडिक्टेबल होता ना तो मुझे लगता कि हाँ यार ठीक है, क्या हाँ ये होगा वैसे होगा हो जाएगा, लेकिन ये मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है, एंड इट इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी कि मेरे अंदर हो रहा है कि मैं मूवी देखूं जब भी मूवी आए. सो यू नो दैट इज दैट इज अ नाइस फीलिंग, एंड आई रियली वांट टू यू नो लुक एट दैट. नितेश तिवारी आई थिंक इज अ रियली गुड डायरेक्टर, एंड उनकी आने वाली जितनी मूवीज होंगी वो सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी. ही हैज क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ अ नेम विद, स्पेशली विद छिछोरे एंड दंगल, इस तरीके का नाम बना लिया उन्होंने कि यू नो ही इज एस्टैब्लिश्ड, ही इज राइट देयर. तो और अभी सुनने में आया था कि ये रामायण भी बनाएंगे अपने अपने डायरेक्शन में, जिसके लिए रणबीर कपूर आलिया को लिया जाएगा. आई एम नॉट श्योर ये कहाँ तक सच है या क्या होने वाला है इसमें, लेकिन आई वुड लव टू सी नितेश तिवारी टेक ऑन रामायण, टू बी ऑनेस्ट. बट या जहाँ तक बवाल की बात है, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक वरुण धवन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, और ये मूवी ओवरऑल बहुत पसंद आएगी मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड पसंद से ज्यादा वो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी मुझे हो रही है, मुझे जानना है कि एग्जैक्टली क्या है, हाउ इट इज रिलेटिंग टू वर्ल्ड वॉर, क्या ही हुआ होगा लाइफ में कि वर्ल्ड वॉर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसका. इट वाज अ हॉरिफिक वॉर. आई एम श्योर हम सब ने पढ़ा है उसके बारे में, स्कूल्स में था, हम सब ने पढ़ा है उसके बारे में, एंड आई डोंट नो कि आज के टाइम में उसे कैसे आप रिलेट करोगे. दैट इज समथिंग जो हमें खुद देखना होगा. आप मुझे बताइए आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या हो सकता है कुछ और तरीके से आप सोचते हो कि वर्ल्ड वॉर का इसमें जो भी दिखाया है. सो जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी थ्योरीज हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड ये वीडियो को पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को. अगर आप एक्सपीरियंस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को. इफ यू वांट कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सारे सोशल मीडियाज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो डू चेक देम आउट. एंड आई हैव अ सेकंड चैनल विच इज अ गेमिंग चैनल. राइट नाउ आई एम प्लेइंग अनचार्टेड 2 अमंग थीव्स ऑन प्लेस्टेशन 5. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोस काइंड ऑफ गेम प्ले वॉक थ्रूज वगैरह, तो उसे चेकआउट करिए. मैं फेस कैम के साथ खेल रहा हूँ प्लेस्टेशन पे, सो यू एक्चुअली सी मी एज वेल प्लेइंग द गेम. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल को चेकआउट करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड दैट्स इट, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.